नमस्कार आपणको गा आपणको खबर सह मु विवरण आसंतु संपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा। बालेश्वर बालिस्टिक क्षेपणास्त्र K-15 रो परीक्षण, स्वदेशी ज्ञानकौशल निर्मित बालिस्टिक क्षेपणास्त्र K-15 रो परीक्षण होईछि। चांदीपुर क्षेपणास्त्र परीक्षा केन्द्र रो अब्दुल कलाम दीपरु यहार उत्क्षेपण होईछि। 4 नंबर लॉन्च पैड रु 12:10 रे ई मिसाइल रो लैंड वर्सन उत्क्षेपण होईछि। बुरा जहाज रु उत्क्षेपण करा जाउथिबा ई क्षेपणास्त्र को आज स्थल भाग रु उत्क्षेपण करा जाइछि। उत्क्षेपण परे राडार माध्यम रे मिलिथिबा तथ्य को वैज्ञानिक माने समीक्षा करछन्। पूर्वरु K-15 बालिस्टिक मिसाइल को समुद्र भितर बुरा जहाज अरिहंत्रु उत्क्षेपण कर 2011 मसीह यह क्षेपणास्त्र को स्थल सेनारे सामिल कर यार ओजन 17 टन थे लंब 12 मीटर और मोटे 0.8 मीटर एथिरे 2 टन ओजनर पारंपरिक और आणविक युद्धास्त्र बहन कर K-15 मिसाइल 3,000 रु 3,500 किलोमीटर दूरता पर्यंत लक्ष्यभेद करिवार क्षमता रखी। स्थलभागरु 50 किलोमीटर उच्चतार घंटा प्रति 9,187 किलोमीटर बेगरे एक क्षेपणास्त्र गति करिपार। परवर्ती खबर को आसवा कोरोना आक्रांतों पर एसओपी, कोरोना रोगी केमिति व्यवहार करेंगे फाविपिराविर। फाविपिराविर टैबलेट व्यवहार नहीं स्वास्थ्य विभाग पक्ष एसओपी जारी करा जाई छी। रैपिड रेस्पॉन्स टीम बा आरआरटी को दिया जिवो प्रशिक्षण। होम आइसोलेशन रे थिबा आक्रांतों को मिलिबो फाविपिराविर एवं सबु जिलापाल एवं सीडीएम को स्वास्थ्य विभाग रो चिट्ठी मिली। स्वीकृतिप्राप्त डाक्तरों परामर्श क्रमे व्यवहार पर लिखित अनुमति दिया जिवो। कोरोना आक्रांतों पर आसी एसओपी, कोरोना रोगी किभली व्यवहार करेंगे फाविपिराविर। फाविपिराविर टैबलेट व्यवहार नहीं स्वास्थ्य विभाग पक्ष एसओपी जारी करा जाई छी। एवं एसओपी रही है कि रैपिड रेस्पॉन्स टीम बा आरआरटी को इस संपर्क में प्रशिक्षण बा तालीम दिया जिवो। होम आइसोलेशन रे थिबा आक्रांतों केवल मिलिबो फाविपिराविर। सबु जिलापाल और सीडीएम को एने स्वास्थ्य विभाग पक्ष चिठी लिखा जाई छी। संपर्क में अधिक सूचना पाई आम सहित आलोचना करिबा आम सहित वर्तमान जोड़ी डॉक्टर महेश रथ, विशेषज्ञ प्रिवेंटिव मेडिसिन। डॉक्टर रथ आपको स्वागत करुच्ची। फाविपिराविर दीर्घ दिन धरी आलोचना चर्चा थिला। फाविपिराविर को वर्तमान व्यवहार नहीं अनुमति मिलुची, किए व्यवहार करिपारिबे, केमिति व्यवहार करिपारिबे? आज्ञा थैंक यू। गवर्नमेंट जो एसओपी टा जारी करी छी, आज्ञा गवर्नमेंट रा एसओपी पॉइंट वाइज है ना, फास्ट है कि आज रैपिड रेस्पॉन्स टीम अछि से माने स्पेसिफिकली ट्रेन हबे घरे जो माने होम आइसोलेशन रे अछि से माने फाविपिराविर नै पारिबे ना नहु सेटा असेस करिबे अलोंग विद कंसल्टेशन ऑफ ट्रेन डॉक्टर। आज्ञा। सेकंड पॉइंट है ना जब भी पेशेंट आ फाविपिराविर नै पारुतिबो ताहाले आरआरटी टीम पेशेंट और तंगा रिलेटिव को बुझे दब फाविपिराविर केमिति नबार अछि। आम जो गाइडलाइन अछि के कोन दिन केतरा बटिका नबो खाद्य परे खाद्य पूर्व से गडा आउ कोन कोन तार साइड इफेक्ट होई पारि कोन प्रिकॉशन मेंटेन करबे। सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट हला ए माने लोकन को तु होम आइसोलेशन लोकन को तु गोटे कंसेंट पे फिल अप करेगी नेबे आउ 5 दिन कोर्स ऑफ फाविपिराविर तंको प्रोवाइड करबे। नेक्स्ट पॉइंट है कि इनफॉरमेशन सीट जो फाविपिराविर जो कि तार सब जाक डिटेल लिखाई थे केमी व्यवहार करिवो, किए खाई किए खाई ना तार एडवर्स रिएक्शन कौन हम से जिन विषय से प्रोवाइड करेंगे रिटर्न लिपलेट। जब भी किसी नेक्स्ट पॉइंट है कि जब भी किसी साइड इफेक्ट होन क्या कॉन्टैक्ट करेंगे वेदर मेडिसिन डिस्कंटिन्यू करिवे ना नो किंबा घर चिकित्सा कौन इमरजेंसी रे नहीं पारिवे। नेक्स्ट जदि किसी कहार गोटे अति बेसी हाई साइड इफेक्ट हला कि क्रिटिकल हला ताले को नंबर से माने फोन करी अमर जो कोविड केयर सेंटर अछि किंबा अमर जो डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल अछि सेठी केमिति से माने ट्रांसफर हेई पारिवे से विषय रे जणैबे। प्लस डेडिकेटेड फोन नंबर जो गुड़ा आम अच्छी से सब डेडिकेटेड फोन नंबर प्रोवाइड कराव एंड रेगुलरली सहित से फॉलोअप रही सब को लेकिन गवर्नमेंट बहुत ही जल्दी ऑनलाइन गोटे ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर आरआरटी को सेंसिटाइज करने डॉक्टर को अन्य स्टेक होल्डर जो मैंने अच्छा से। नेक्स्ट जोटा यही तो है एडवाइस टू दि डॉक्टर आउ जो एडवाइस अच्छी पेशेंट मान से पेशेंट तो है इनफर्म कंसेंट भर्ती करेंगे से माने ओरली ड्रग टा केमी ने विषय डॉक्टर कंसल्टेशन सेल्फ मेडिकेट हेबेनी
कौ कौ पारामीटर्स गुड़ा ब्लड रेगुलरली चेक करिया दरकार से गुड़ा देखिबे आउ वेदर ड्रग इज सेफ और नॉट सेटा देखिबे तापरे जो माने प्रेग्नेंट अछंती किंबा जो माने ब्रेस्ट फीडिंग करछंती से माने खाई परिबेनि छोट छुआ को देई हबनी ए सब विषय रे जणा हबो प्लस परामर्श क्रमे ही फाविपिराविर मेडिसिन सेवन करेंगे डाक्तर परामर्श बिना के फाविपिराविर नहीं पारे ना बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रथ आम सहित आलोचना कर। अनेक घर को आसवा दिनक दिन अधिक व्यापक होउछि हाथरसर निया ए मामलें अधिकर अधिक अड़ुआ जोगी सरकार एवं मामला सुप्रीमकोर्ट में पहुंची ए संपर्क में सुप्रीमकोर्ट में दायर होइछि एक जनस्वार्थ मामला सुप्रीमकोर्ट को तत्वावधान में मामलार तदंत करबा लागि एथिरे प्रार्थना करा सेपटे सबु दिगरु कड़ा समालोचना होगापर पीड़िता घर पाखु हटि समस्त ब्यारिकेड पुलिस गणमाध्यम प्रतिनिधि पीड़िता पर भेटापी यापर पीड़िता पर सुप्रीमकोर्ट को तत्वावधान में एक स्वतंत्र टीम द्वारा मामलार तदंत कर तेरे एसआईटी और सीबीआई तदंत को खारज करिसंती परिवार लोके एमाने अभियोग करिसंती अभियुक्तों एसआईटी सह संपर्क रही सेपटे पीड़िता परिवार को भेटापी आज पुणी जिबे कांग्रेस प्रतिनिधि दल दल नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी नेतृत्व में कांग्रेस केतेक सांसद आज हाथरस अभिमुखे बाहर दस जनपथ एमाने यात्रा आरंभ करेंगे गुरुवार प्रियंका और राहुल हाथरस अभिमुखे जावा बेले से अटकई पुलिस या विरोध में कांग्रेस सारा देश में विरोध प्रदर्शन कर एपटे आज गृह आरंभरु कांग्रेस सदस्यों होहल्ला उत्तर प्रदेश गणदुष्कर्म घटना को नहीं कांग्रेस सदस्यों प्रतिवाद योगी मोदी विरोधी स्लोगान देते विधायक गृहर मध्य भाग को आसी प्रतिवाद करते कांग्रेस सदस्य कांग्रेस विधायक दल नेता नरसिंह मिश्र अभियोग करते राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को मार मरा गिरफ्त उत्तर प्रदेश में गणतंत्र को हत्या करपटे गणदुष्कर्म घटना को निंदा करते बीजेडी विधायिका स्नेहांगिनी छुड़िया उत्तर प्रदेश पुलिस और प्रशासन योगी सरकार हाथ बारिशी साजिश जिलापाल विवृति बदल चाप पकाउं दलित महिला तुरंत न्याय आम दावी करूँ ना आंदोलन दिल्ली जाए जीवती स्नेहांगिनी छुरिया सेपटे महिला क्षेत्र में अपराधपी राज्य सरकार बसी बीजेपी विधायक कुसुम टेटे से कहते दिल्ली कथ छाड़ निज कथ चिंता करूँ सरकार महिला प्रति अपराधपी अनेकांशे मद दायी तेणु राज्य में मद बंद करूँ सरकार सेपटे विरोधी हट्टगोल पर गृह को अपराह्न तीनटा जाए मुलतवी घोषणा कर योगी सरकार योगी आ मोदी एम दलित मानक दलित निष्पेषित मानक भाव रेप एंड मर्डर बारंबार करी चली यूपी सरकार बीजेपी सरकार जेपरी भाव अन्याय अत्याचार करी एवं राहुल गांधी को जेपरी भाव पुलिस यूपी पुलिस मारी तले पकई सोनिया गांधी की जेपरी भाव व्यवहार कर ताको कांग्रेस दल के बर्दाश्त करिबनी एवं गणतंत्र को बीजेपी दल हत्या करी जोटे संविधान को भी गणतंत्र को भी बीजेपी हत्या करी पुलिस प्रशासन मध्य हाथ बारिशी भाव काम करी गोटे महिला को न्याय देवारे एते से माने हैरान हरकत करुछंती आज गणबलात्कार रे महिलाटा एत अमानवीय भाव में तार मृत्यु है तार परिवार को आज से रही दि जाऊनी एत हैरान हरकत करृढ़ भाव में खंडन करुच्ची निंदा करतीवाद करुच्ची प्रशासन हाथ बारिशी न हो से महिला को न्याय देवारे काम करतु एवं जिते दिन पर्यंत ये महिला दलित महिला आज न्याय न पाई तेल आम राजस्ता को उठबू समस्त दलित महिला महिला मैंने ओडिशार आम बाहर राजरास्ता को आसबु प्रतिवाद करिबु एवं जो आंदोलन प्रतिवाद आज यू आरंभ हो दिल्ली पर्यंत निश्चित भाव में जीव आज्ञा दिल्ली को तो छाड़ता आम तो निज ओडिशार ये घटना सब होटा किए देख आटा सब कि मद आम ओडिशार जो मद बेपारी को ओडिशा सरकार जो प्राइज देवाई जो आह्वान देखते यहाँ कौ हिसाब से दिखाई जहाँ किसी होउछि महिलांको उपरे जो अत्याचार अन्याय बलात्कार जहाँ किसी होउछि एही मद ही कारण तो सरकार एही मद को हटा जाऊ।
परवर्ती खबर को आसवा विश्वर दीर्घतम टनेल लोकार्पित होती हिमाचल प्रदेश रोहतांग आयोजित स्वतंत्र कार्यक्रम में जोग देते प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अटल टनेल को लोकार्पित करते प्रधानमंत्री एक कार्यक्रम में प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सीडीएस विपिन रावत केन्द्रमंत्री अनुराग ठाकुर हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर स्थलसेना मुख्य एमएम नरभाणे प्रमुख उपस्थित थे। देशर पर्यटन क्षेत्र में जोड़ी है आउ एक नुआ अध्याय दुर्गम अंचल में रोकवा लोकों यातायात सुविधा हो तुषारपात जो 6 मास बंद रोकवा जात्रा प्रतबंधक टली जाए 10,000 फुट उपर निर्मित हो 9.2 किलोमीटर लंबा टनेल यहाद्वारा एलएसी पर्यंत जीवा सहज हेबो सेभली मनाली और लेह को जोड़ी अटल टनेल मनाली और लेह मध्य ह्रास पाइब 48 किलोमीटर रास्ता 10 वर्ष भितर प्रस्तुत होती टनेल सेपटे प्रधानमंत्री मोदी कहते टनेल निर्माण पूर्वतन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी स्वप्न थी जहां आज पूरण हो पारी उसको भेद कर एक बहुत कठिन संकल्प को आज पूरा किया गया है। इस महायज्ञ में अपना पसीना बहाने वाले अपनी जान जोखिम में डालने वाले मेहनतकश जवानों को इंजीनियरों को सभी मजदूर भाई बहनों को आज मैं आदर पूर्वक नमन करता हूं। साथियों अटल ब्रेक पर स्वागत। देश में फसल एमएसपी बा सर्वनिम्न सहायक मूल्य बंद हेबार प्रश्न उठुना यह कहते केन्द्र मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान भुवनेश्वर सांबादिक सम्मेलन कर कृषि आईन सपक्ष में मत रखिंट धर्मेन्द्र कहते आईन बल में चाषी देशर जेको स्थान में निज सामग्री बिक्री करपार चाषी माने सेमानंको उत्पादित द्रव्यर उपयुक्त दाम पाइबे सेभली एही आईन द्वारा दलाल बा मध्यस्थी रहिबे नाही उत्पादित सामग्रीर वर्धित सहायक मूल्य चाषीों खाता को जीव कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग द्वारा केवल चाषीर उत्पादित फसल किनी हेबो चाषीों अधिकार को अधिक गुरुत्व देउछंती केन्द्र सरकार चाषी मानंक पई एक जुगांतकारी पदक्षेप निया जाइछि बोली धर्मेन्द्र कहिछंती मुक्त बजार व्यवस्था नीतिगत भावे आरंभ हेला सेभली उत्पादन संरक्षण एवं मार्केट व्यवस्था उपरे गुरुत्व दिया जाइछि आत्मनिर्भर भारत योजना अवसर रे तीनोटी मूल संस्कार जो गुड़ाक एक प्रकार अनौपचारिक भावे कृषि क्षेत्र रे आसी सारी से गुड़ी को आईन रे परिणत करले उत्पादन बढ़ेबा पाई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जमी मालिकानार अधिकार संगरे कौनसी बुझामणा न करिकी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को नीतिगत बनेमा चाषीर स्वार्थ को सुरक्षित करिकी जमी अधिकार को सुरक्षित करिकी तारो उत्पादित जिनस को बजार व्यवस्था संगरे जोड़िकी उचित मूल्य देइबार व्यवस्था करिबा से पई गोटिए सुधार अणागला स्टोरेज फैसिलिटी एसेंशियल कमोडिटी एक्ट मुझे गोटे पृष्ठभूमि कहबी जो सब आईन गुड़िकला से गुट बेले देश में एग्रिकल्चरल प्रड्यूसर स्केयरसीटी थी अभाव थिला तेणु लोक को मिलू ठीक मूल्य मिलू चाषी को मूल्यर ग्यारंटी हो यही नियम गुड़िक बना जाता कि आज 70 दशक पर 7 दशंधि परे देशर कृषक माने पर्याप्त मात्रा रे उत्पादन करला बेले तांकर मूल्य मिलूना से पाई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो परवर्ती अवस्था रे एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को परिवर्तन करके लाइसेंस राज को बंद करिबा हो सर्वशेष रे रेगुलेटेड मार्केटिंग मेकानिजम जोटा थिला एपीएमसी थिला एपीएमसी रहिब राज्य माने चाहिले एपीएमसी ताकु बरकरार रखि परिबे एपीएमसी रो विकल्प रे मुक्त बाजार व्यवस्था करिवार योजना कु नीतिगत भावे आरंभ करा गला ता द्वारा उत्पादन स्टोरेज प्रोडक्शन स्टोरेज और मार्केटिंग फ्रीडम ए तीनोटी जाक फ्रीडम ये सुधार करने देश
10,000 नुआ फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन तयारी करिकी चासी मानको द्वारा ये कंपनी मार्केट संगरे जुड़ी हबा एग्रीगेटर मानको संगरे जुड़ी हबा स्पोंसरर मानको संगरे जुड़ी हबा रोडे व्यवस्था आनगला। एपटे केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान प्रेसमिट नहीं प्रतिक्रिया रखी बीजेडी शासक दल विधायक प्रताप देव कहते केन्द्रमंत्री जहां कहते आंशिक सतकथा एमएसपी नहीं कृषि आईन में उल्लेख थे सन्देह हो न था कृषि आईन द्वारा क्षुद्र मध्यस्थी बदल में बड़ बड़ कर्पोरेट मध्यस्थी हो आसवे से भाई कंट्राक्ट फार्मिंग में बड़ कर्पोरेट संस्था लाभवान होते हैं प्रताप देव मो मतरे जोटा से कहते जदि से बिल रे पार्ट था कि एमएसपी इज अ कमिटमेंट गिवेन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ताहले का मन में आंदोलित कथा हाँ ना एमती कौन से लेखा तादर है ना तेणुक एमएसपी आज दौर सरकार सत्य कि केतर कंटिन्यू कर एक प्रश्नवाची कहीं तार एमएसपी देवे सरकार को बिल कमिटमेंट ना से प्रश्नवाची अच्छी दुई रे जो कथा कहते मध्यस्थी घुंची जी से आंशिक सत्य कथा कहते आंशिक सत्य कथा इन द सेन्स कौन कि बर्तमान मध्यस्थी अच्छा कितने क्षुद्र मध्यस्थी अच्छा जिते आप कंट्राक्चुअल फार्मिंग पलिजे बड़ मध्यस्थी आसवे कॉर्पोरेट मध्यस्थी आसवे अनेक रूप आसवा अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मृत्यु मामलें हत्या दाबी को खारज कला एम्स फोरेन्सिक पैनल पक्षर एने दि जाए रिपोर्ट मिलता सूचना अनुसार विष दि जाए हत्या कर थ्योरी को यह रिपोर्ट में खंडन कर सुशांत को हत्या नहीं विष दि जाए नहीं सन्देह सृष्टि होता तेज बर्तमान एभली थ्योरी को खंडन करी एम्सर फोरेन्सिक पैनल अंपटे मिलता सूचना अनुसार बर्तमान सुशांत आत्महत्या नहीं उस्काइवा मामलें तदंत जारी रखिब सीबीआई सोमवार सीबीआई पक्ष मामलें प्रति दिग को नहीं तदंत जारी रही कोरोना कबल में भारत सात मास हला कलबल करुछि कोरोना प्रथम एक अंक परे दुई अंक आउ परे हजार हजार संख्यार दैनिक पॉजिटिव चिन्ह रही मृत्यु संख्या मध्य देश में चिंताजनक गत 24 घंटे 1069 जन कोरोना आक्रांतों मृत्यु होती आउ यासह देश में कोरोना मृत्यु संख्या 1,842 वृद्धि पाई एजाए विश्व में कोरोना मृत्यु संख्या 10,32,709 पहुंची बेले केवल भारत में यह संख्या रही 1,842 निश्चित भाव यह चिंताजनक एपटे गत 24 घंटे 79,476 कोरोना आक्रांत चिन्हट होती देश में आक्रांतों संख्या 64,73,545 वृद्धि पाई से भाई देश में सुस्थों संख्या 54,27,706 को वृद्धि पाई दिनक सुस्थ होती 75,628 जन तेबे एबे मध्य 944,996 जन आक्रांत चिकित्साधीन अवस्था अच्छा एपटे बढ़ी चली कोरोना ग्राफ राज्य में आज 3,053 जन कोरोना आक्रांत चिन्हट होती क्वारंटाइन सेन्टर 1,804 और स्थानीय अंचल 1,249 जन पॉजिटिव चिन्हट होती फल राज्य में आक्रांतों संख्या 2,29,387 को वृद्धि पाई कोरोना 1,94,128 आक्रांत सुस्थ होता बेले 34,314 चिकित्साधीन अच्छा खोर्धु सर्वाधिक 561 कटकु 256 कोरोना आक्रांत चिन्हट होती से भाई आज चिन्हट होता आक्रांतों मध्य अनुगुल 64 बालेश्वर 85 बरगड़ 98 भद्रक 70 बलांगीर 95 झारसुगुड़ 146 केन्द्रापड़ 115 पुरी 127 संबलपुर 123 सुंदरगढ़ 98 जन आक्रांत चिन्हट होती से भाई आज राज्य में 17 जनों जीवन नहीं कोरोना फल कोरोना जनित मृत्यु संख्या 892 को वृद्धि पाई बालेश्वर और ढेंकानाल तीन जन लेखाएं मृत्यु होती से भाई जगत सिंहपुर खोर्धा पुरी दुई जन लेखाएं संक्रमितों जीवन जापटे भद्रक गंजाम जाजपुर जड़े लेखाएं और मयूरभंज और नयागढ़ जड़े लेखाएं आक्रांतों मृत्यु होती सेपटे गतकाली कोरोना आक्रांत होता नहीं ट्विट कर सूचना देते राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कोविड आक्रांत आमेरिकार राष्ट्रपति ट्रंप को आर्मी हस्पिटाल भर्ती करोनार प्राथमिक चिकित्सा दि जाता जमापड़ तेरे से ह्वाइट हाउस छाड़ पूर्व एक वीडियो मेसेज जारी करते जो सुस्थ ट्रंप और पत्नी मेलानिया कोरोना पॉजिटिव चिन्हट होगा प्रथम आइसोलेसन में डाक्तरों परामर्श नहीं डोनाल्ड ट्रंप को आर्मी हस्पिटाल स्थानांतर कर आगामी किसी दिन धरी सेठे चलो चिकित्सा तेज आर्मी हस्पिटाल से कार्य जारी रखे ह्वाइट हाउस पक्ष सूचना दि जा
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ଆସିବା। ରିଲାଏନ୍ସ ରିଟେଲ୍ରେ ଟିପିଜି ଏବଂ ଜିଆଇସିର ନିବେଶ ବଢ଼ିଲା। ରିଲାଏନ୍ସ ରିଟେଲ୍ରେ 1,837.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖଟାଇବ ଟିପିଜି। ରିଲାଏନ୍ସ ରିଟେଲ୍ର 0.41% ଅଂଶଧନ କିଣିବ ଟିପିଜି। ରିଲାଏନ୍ସ ରିଟେଲ୍ରେ 5,512.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖଟାଇବ ଜିଆଇସି। ରିଲାଏନ୍ସ ରିଟେଲ୍ର 1.22% ଅଂଶଧନ କିଣିବ ଜିଆଇସି। ପୂର୍ବରୁ ରିଲାଏନ୍ସ ରିଟେଲ୍ରେ 6,247.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିଛି ମୁବାଦଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରିଲାଏନ୍ସ ରିଟେଲ୍ରେ 6 କମ୍ପାନୀ ନିବେଶ କଲେଣି। ପୂର୍ବରୁ ଜିଓରେ 4,546.80 କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିଛି ଟିପିଜି। ସାରା ଦେଶରେ ରିଲାଏନ୍ସ ରିଟେଲ୍ର 12,000 ଷ୍ଟୋର୍ ରହିଛି ଏବଂ ବାର୍ଷିକ ହାରାହାରି 64 କୋଟି ଲୋକ ରିଲାଏନ୍ସ ଷ୍ଟୋର୍କୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଆର୍ଆର୍ଭିଲ୍ରେ ମୋଟ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ପରିମାଣ 32,697.5 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ରାଜ୍ୟ ଖବରକୁ ଆସିବା। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀକୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦୀର୍ଘ 6 ମାସ ପରେ ଏବେ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି ଅନୁଗୁଳ ସାତକୋଶିଆ ଟିକରପଡ଼ାଠାରେ ଥିବା ନେଚର କ୍ୟାମ୍ପ। ଏଥିପାଇଁ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। କ୍ୟାମ୍ପର ମରାମତି କାମ କରାଯାଉଛି। କ୍ୟାମ୍ପ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ସଦସ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଖୁସିର ସହ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି କେବେ ଖୋଲିବ ନେଚର କ୍ୟାମ୍ପ, କାରଣ ସେମାନେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ହରାଇଥିବା ରୋଜଗାର ପୁଣି ଥରେ ଫେରିପାଇବେ। କେବଳ ସେମାନେ ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଛୋଟମୋଟ ଦୋକାନ କରି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଚାତକ ଭରି ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି। ପୁଣି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠିବ ସାତକୋଶିଆ, ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଜମିବ ଭିଡ଼, ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା। ଅକ୍ଟୋବର 1 ତାରିଖରୁ ସମସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ସେହି କ୍ରମରେ ଅନୁଗୁଳ ସାତକୋଶିଆ ଅଭୟାରଣ୍ୟର ଟିକରପଡ଼ା ନେଚର କ୍ୟାମ୍ପ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ବନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଏହି ନେଚର କ୍ୟାମ୍ପକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ଗତିରେ ମରାମତି କରାଯାଉଛି ଏବଂ ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଅତି ଖୁସିର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କେବେ ଏହି ନେଚର କ୍ୟାମ୍ପ ଖୋଲିବ ଏବଂ କେତେ ଶୀଘ୍ର ଖୋଲିବ, ବାହାର ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଏଠାକୁ ଆସିବେ, ଏଠାରେ ପୁଣି ଥରେ ମାନେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିବ ଏହି ଟିକରପଡ଼ା ପରିବେଶ। ଆମ ପାଖରେ ଏହି ଟିକରପଡ଼ା ନେଚର କ୍ୟାମ୍ପର ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ସଦସ୍ୟମାନେ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଅଧିବାସୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ? ହଁ, ସେ ଟିକରପଡ଼ା ନେଚର କ୍ୟାମ୍ପ କହିଲେ ସାତକୋଶିଆ କହିଲେ ତ ସାଧାରଣ ଭାବେ ସାତକୋଶିଆ ଗଣ୍ଡ ସହିତ ଟିକରପଡ଼ାକୁ ବୁଝାଏ। ତେଣୁ ଟିକରପଡ଼ା ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀର ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି, ତେଣୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଚାଲିବା ନିଶ୍ଚିତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଯାହା ହେଉ ଖୁସିର ବିଷୟ। ଗତକାଲି ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଚାଲିବ, ତେଣୁ ସେହି ମର୍ମରେ ଆଜି ଟିକରପଡ଼ାର ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଚାଲିଛି ତାକୁ ମରାମତି ହେଉଛି। ଯଥାଶୀଘ୍ର ବନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଆକୁ ଚଲେଇବାର ସହଯୋଗ କରାଗଲେ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଚଲେଇବାର ସହଯୋଗ କଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେବ, ଆଉ ଚଲେଇବା ଉଚିତ ମଧ୍ୟ। ଆଚ୍ଛା, ବହୁତ ଖୁସି ଆମେ ଅଛୁ ସାର୍, ଆମ ନେଚର କ୍ୟାମ୍ପ ଖୋଲିଲେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବୁ, ସମସ୍ତେ ପିଲା ସାର୍ ଖୁସି ହେବୁ। କ'ଣ ପାଇଁ? ରୋଜଗାର ପାଇବୁ, ପଇସା ପାଇଲା ପରେ ଲୋକ ଆସିବେ, ଆଉ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିଲେ ଆମେ ବି ପ୍ରତିପୋଷଣ ହେବୁ, ଆଉ ଆମର ବି ଇଏ ଖୋଲିଯିବ, ଆମର ଭାଗ୍ୟ ଖୋଲିଲା ଭଳିଆ ଦିନ ଖୋଲିଯିବ ଆମର, ତେଣୁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଆଉ। ବହୁତ ଦିନ ଗୁଡ଼ାଏ ଦିନ ବନ୍ଦ ହେଇଥିବାରୁ ଲୋକ ଟିକେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲେ, ଗାଡ଼ି ମଟର ଚଳାଚଳ ନାହିଁ, ବହୁତ ଲୋକ ଯେଉଁ ରୋଜଗାର ପାଉଥିଲେ ସେଥିରୁ ସେଟା ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଉପକୃତ ହେବେ, ବାହାର ଲୋକ ଆସିଲେ ଉପକୃତ ହେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ପ୍ରକାର ଟେଣ୍ଟ କାମ ଚାଲିଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମରାମତି କାମ ଚାଲିଛି, ବନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ତେଣୁ କେମିତି ଆପଣ ମରାମତି କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ଶୀଘ୍ର ସାରିବେ? ମୋତେ ଅର୍ଡ଼ର ହେଇଛି ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତରେ ଜଲ୍ଦି ସାର, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ରାତି ଦିନରେ ଲାଗିଛି କାମରେ ଆଉ। ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଯେଉଁମାନେ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ ଦୋକାନ ବଜାର କରି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଶା ବାନ୍ଧି ବସିଛନ୍ତି କେତେ ଶୀଘ୍ର ଖୋଲିବ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିବ। ଅନୁଗୁଳ ଟିକରପଡ଼ାରୁ ଭିକାରୀ ମହାନ୍ତି, News18 ଓଡ଼ିଆ। ଅନ୍ୟ ଘରକୁ ଆସିବା। ମାଛର ଦାମ 1,76,000 ଟଙ୍କା, କିଛି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କି ଟନ୍ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ମାଛର ଦାମ 1,76,000 ଟଙ୍କା। 1,76,000 ଟଙ୍କାରେ ନିଲାମ ହୋଇଛି ମାଛ। ମାଛର ଓଜନ ବି ସେମିତି 22 କିଲୋଗ୍ରାମ। ଏହି ମାଛର କିଲୋ ପ୍ରତି ଦାମ ରହିଛି 8,000 ଟଙ୍କା। ତେବେ ଏହି ବିରଳ ମାଛଟି ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ନୁହେଁ, ବରଂ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଧାମରାର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଛି। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ବହୁ ବିରଳ ମାଛ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏହି ବିରଳ ମାଛ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କର ବେଶ୍ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଜମିଥିଲା। ଖବର ପାଣିପାଗରୁ। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ଏହାର ଆଖପାଖ ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ଆସନ୍ତା 5 ଦିନ ଯାଏଁ ଏହା ବର୍ଷିବ। ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ 12ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି।
କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ବଲାଙ୍ଗୀର, ବରଗଡ଼, ବୌଦ୍ଧ, ଗଞ୍ଜାମ, ପୁରୀ, ସୋନପୁର, ନୟାଗଡ଼, ରାୟଗଡ଼ା, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି। ବର୍ଷା ସମୟରେ ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 40-50 କିଲୋମିଟରରେ ବୋହିପାରେ। ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ଥିବାରୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ନଯିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ବୁଲେଟିନ୍ରେ ସମୟ ସରିଛି। ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ଆପଣଙ୍କ ଖବରକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ନମସ୍କାର।